चल लीजिए भाई। बॉम शूज जिसको कह सकते हैं वो ये वाली वीडियो में आपको देखने वाले हैं। पांच ऐसे शूज दिखाने वाला हूँ। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। बहुत प्यास लग रही थी। जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे एंड ये वाले बिल्कुल यूनिक है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अच्छी बात तो तब होगी अगर आपको ये सेल में देखने को मिलते हैं। फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं हम सारे शूज को। सबसे पहले मेरे पास आता है एशियन का कुछ ऐसा दिखने वाला बॉक्स। भाई बॉक्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा सुधार दी एशियन ने, क्या पता उन्होंने हमारी वीडियो देख ली हो जो कि बहुत बिल्कुल पतले गत्ते में आती थी। इसके मॉडल का नाम है जैस्पर 5, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बिल्कुल भाई नाइकी यहाँ पर डाल दो ना तो वैसे टाइप का डब्बा लग रहा है। देखो वैसे भी बक्सों से फर्क नहीं पड़ता, मैंने जॉर्डन्स मंगवाए थे, बॉक्स की क्वालिटी देख लो। इसके अंदर हम आते हैं तो आपको देखने को मिलता है स्नीकर। ये स्पोर्ट्स शू नहीं है एशियन की तरफ से, ये एक प्रॉपर स्नीकर है। एशियन के जो शूज होते हैं यूजुअली 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर है ना थोड़ा सा उनकी हेवी क्वालिटी में आता है एंड 1000 या फिर आपको उससे नीचे को देखने को मिल जाएगा 700-800 रुपए में इफ द सेल इज गोइंग ऑन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्नीकर राइट हियर। मैंने ये देखा है कि जितने भी आजकल शू ब्रांड्स है ना वो जॉर्डन्स को कहीं ना कहीं यू नो अपने इंस्पिरेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा वही चल रहे हैं, वही ट्रेंड में। तो यहाँ पर आपको जो सोल देखने को मिलती है ना वो बिल्कुल वैसी है जैसे जॉर्डन्स में आपको यूजुअली देखने को मिलती है। अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको मेमोरी फोम का सपोर्ट मिलता है जो कि भाई जॉर्डन्स में भी नहीं होता, विच इज लाइक स्टील डील। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट बस 1000 रुपए तक का है एंड आपको जॉर्डन लुकिंग शूज चाहिए एंड वो भी एक ब्रांड की तरफ से, तो ये आ जाते हैं। इसके आगे की अगर बात करूं तो ये भी भाई बिल्कुल एयर जॉर्डन से इंस्पायर्ड है। इस पर मुझे लग रही ना कि इन्होंने कुछ ज्यादा इनोवेशन लगाई है एक्सेप्ट फॉर द लोगो एंड द मेमोरी फोम, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। ऑल्दो हाँ सोल की अगर बात करें तो थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलती है इस बार, क्योंकि यहाँ पर ना जो सोल है वो ईवीए नहीं है, ये रबर सोल यूज की गई है। एंड एशियन अगर रबर सोल यूज कर रहा है विच मीन्स भाई वो क्वालिटी में भी अपने ध्यान दे रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। पीछे आपको एशियन की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड साथ ही साथ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एशियन का ब्रांड आ जाता है। मेरे हिसाब से ना यहाँ पर एशियन ऐसे पूरा लिखा हुआ इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, या तो इसको बिल्कुल प्लेन रखना चाहिए था या फिर जो भी इनका लोगो है ना अगर सिर्फ वो डालते तो थोड़ा सा और ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगता। लेकिन ओवरऑल कहीं से भी ये शू ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यार थका हुआ या बेकार है, दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ बाइंग अगर आपका बजट इतना ही है तो। नेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आता है कुछ इस तरीके का, बिल्कुल प्लेन बॉक्स है एंड इस पे कहीं ना कहीं भी ब्रांडिंग नहीं है सिवाय ऊपर जो अमेज़न का है भाई उसमें एड्रेस है वो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। बट यार लेट्स ओपन दिस एंड आपको अंदर देखने को मिलेगा कुछ ऐसा बॉक्स जो कि मुझे लगता है इन्होंने उल्टा करके दिया सो दैट अमेज़न में शिपिंग इजी हो पाए। अब थंबनेल में आपने ये वाला शू आई एम श्योर देखा होगा, उसके वो देख के आपने क्लिक किया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शू राइट हियर। इसका नाम है नाइकी डाउन शिफ्टर 12 एंड दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही भाई ये परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है। अगर इसकी बात करें तो भाई ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अगर इसकी सोल की बात करें यहाँ पर ईवीए यूज हुआ है एंड नीचे आपको रबर का मटेरियल देखने को मिलेगा। ऑल दो कई लोगों को लग सकता है कि यार ये पर्पल कलर है तो प्रॉब्ली ये लड़की होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, 9 नंबर लड़कियां थोड़ी पहनती है। I was like, what the fuck is this? और ये मेरे को अपने साइज में मिल गए। इसमें और भी कलर्स हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप दूसरे कलर्स भी चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर विल। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे जो आपको मैश देखने को मिल रहा है ना वो थोड़ा सा दबा हुआ मैश है, इट मीन्स कि आपका जो एयर फ्लो है ना वो बरकरार तो रहेगा ही, लेकिन आपको साथ ही साथ ये लाइट वेट शू जब रनिंग करोगे ना प्रॉपरली तब हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी जो शॉक एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होती है जो नाइकी की सबसे ज्यादा फेमस चीज है, आपको बहुत अच्छे से वो आपकी यू नो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज बनाते हैं एंड उसी हिसाब से आपकी ये बनावट रखी गई है डाउन शिफ्टर्स की। हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं कंपैरेटिवली आप जो बाकी शूज देखोगे, लेकिन भाई नाइकी की क्वालिटी, नाइकी का भरोसा एंड जो आपको ओवरऑल क्वालिटी देखने को मिल रही है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा नहीं है आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, लेकिन अगर आप इसको पहन के जाओगे ना तो ये नाइकी का जो बड़ा बड़ा साइन है ना जो भाई फैन बॉयज है नाइकी के उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट जूता है ये। ओवरऑल अगर बात करें तो आई एम इंप्रेस विद द क्वालिटी। हाँ थोड़ा सा अगर आपको सस्ते में देखने को मिले तब आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लेना। आई थिंक मुझे ये अराउंड 3000 का पड़ा था, लेकिन आपको ये पक्का सस्ते में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट शू आया था फ्रॉम द हाउस ऑफ कोलंबस एंड मेरे पास ये इस तरीके से रिसीव हुआ है। इसमें और मुझे ऐसा कोई आउटर पैकेजिंग या आउटर बॉक्स नहीं मिला था और यहाँ पर लिखा भी है कि ओन बॉक्स, तो ऑब्वियसली आपको ये ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो शू का एमआरपी है या फिर आपको अगर नाम बताऊं तो इसका नाम है प्लाज्मा ब्लैक ग्रे एंड एमआरपी की बात करें तो 1799 का एमआरपी देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। द शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन ईवीए सोल के साथ आपको देखने को मिलेगा एंड ऑल ब्लैक शू जो कि स्लिप ऑन की फॉर्म में आता है एंड ये भाई बिल्कुल अमेजिंग लगेगा अगर आप इसको पहनते हो तो। देखो मेरी ना डेली रन बहुत ज्यादा है, मुझे इधर से उधर भागना पड़ता है, कभी शूट्स होते हैं, कभी यहाँ पर स्टूडियो में आना होता है घर से, तो इधर से उधर लगा रहता है। मुझे कंफर्टेबल शू चाहिए और ऐसा शू चाहिए जो कि यू नो मुझे अच्छे से प्रोवाइड करे विदाउट एनी लेसेस वाला स्टफ, तो रोजाना मैं स्लिप ऑन ही प्रेफर करता हूँ। ये आपके वहां पर काम आने वाला है क्योंकि इसका जो वेट है वो नाव के बराबर है भाई। अगर इसकी कुशनिंग की पर्टिकुलरली बात करूं तो आई एम इंप्रेस्ड क्योंकि मैंने बहुत सारे स्लिप ऑन ट्राई करे, ऐसी कुशनिंग आपको अभी तक इतने बजट में देखने को नहीं मिलने वाली। ये जो आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पर तो कुशन है ही है, अंदर आपको मेमोरी फोम देखने को मिलती है जो कि आपको अल्टीमेट कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। अब देखो यहाँ पर ऐसे
भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि यार ब्लैक पहनेंगे तो हमें गर्मी तो नहीं लगेगी। ऐसा होता है कि भाई अगर मैश लगा होता है ना किसी भी जैसे इसमें लगा हुआ है तो आपको गर्मी की टेंशन लेनी नहीं होती। ज्यादातर जो शूज होते हैं ना वो ब्लैक की कैटेगरी में आएंगे आएंगे, कहीं ना कहीं उनमें ब्लैक का एलिमेंट होगा ही होगा। तो ये मत सोचो कि गर्मी लगेगी उसको पहन के। हाँ, अगर उसमें मैश नहीं है, वो प्रॉपरली ऐसा बूट टाइप का है, तो वो प्रॉबेबली आपके लिए गर्मियों के लिए नहीं है। सोल की अगर नीचे से बात करें तो काफी इंप्रेसिव कलर आपको देखने को मिलते हैं, काफी इंप्रेसिव सोल भी है, तो आपको ये ना ग्रिप भी प्रोवाइड करेगी एंड साथ ही साथ लाइट वेट होने की वजह से आई थिंक दिस कैन बी योर गो टू अगर आपकी डेली रन बहुत ज्यादा है, यू नो दुकान पे बैठना या कुछ भी करना है, छोटी मोटी चीज है, नॉट एक्जैक्टली फॉर यू नो एथलेटिक्स, बस या वॉकिंग शू की तरह आप इसको हमेशा यूज कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ एशियन, एक और स्नीकर, एंड यहाँ पर लिखा है रनिंग, तो इनकी कैटेगरी ये देखने के लिए भाई मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। उत्सुक इस बार भी भाई एशियन ने काफी अच्छी ब्रांडिंग यहाँ पे दी है और काफी अच्छा बॉक्स आपको प्रोवाइड किया है। इसके मॉडल का नाम है क्रोम 2 एंड ये वाला ना बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग था, काफी सारे रिव्यूज थे इसके, तो मैंने कहा भाई ट्राई करना तो बनता ही है। वो ये सही में एशियन का है क्या? सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गुड लुकिंग रनिंग शू जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग सोल के साथ आता है। भाई मैंने ऐसी सी ग्रीन सोल ना बहुत ही कम देखी क्योंकि लोग यूजुअली डरते हैं कि अगर हम ब्लैक नहीं बनाएंगे या व्हाइट नहीं बनाएंगे फॉर दैट मैटर सोल तो ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं। एशियन ने भाई पूरा फुल ऑन यहाँ पे चीज डाली है एंड सही बताऊं तो क्वालिटी वाइज मुझे ये लग नहीं रहा कि ये इतना ज्यादा मतलब इनका जिस सेगमेंट में ये शूज बनाते हैं जो कि 400-500 वाले होते हैं वो ऐसा जूता बना सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द सोल, यहाँ पर आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है जो कि रबराइज फॉर्म है, लेकिन नीचे जब आ जाते हैं ना ये आपको यहाँ पर ईवीआई देखने को मिलेगी। ये थोड़ा प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है बट या इसमें अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड होगी, तो ऐसा मत सोचना कि प्लास्टिक पहन के घूमेंगे तो फिसलेंगे तो नहीं। नहीं भाई ये रनिंग शू है, क्या आप कुछ सोच समझ के बनाया होगा? यूजुअली जो एशियन के शूज में देखता हूं उनमें मेमोरी फोम तो होती है लेकिन उनका जो अल्टीमेट कंफर्ट होता है जो कि यहां की कुछ नहीं होती उसमें वो लैक करते हैं एंड यूजुअली मैं उनको या तो किसी अपने भाई को दे देता हूं या फिर मैं उनको सिर्फ रखे रखता हूं, वो ज्यादा यूज नहीं होते। लेकिन ये वाला जो है पर्टिकुलरली, हां अगर देखो आपका बजट भाई बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ 400-500 आप कह रहे हो कि मेरे से एक रुपया ऊपर नहीं उठेगा, तब आप वही चीज लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ ड्यूरेबल सेक्सी लुकिंग शू तो इसमें क्या कमी है मुझे खुद बताओ। इसमें आपको 2-3 कलर्स और देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ऑल्दो अगेन वही मेरी एक चीज और वही एक छोटी सी मेरे को लगता है गुंजाइश होनी चाहिए, ये जो एशियन का चलो ठीक है अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और ये तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं ठीक है उनके हिसाब से, बट इसको अवॉइड करना चाहिए। अपना लोगो डालो या कुछ और चीज डालो बट या शू की लुक ऐसे मत खराब करो। ओवरऑल आई थिंक यू कैन रॉक दिस विदाउट एनी डाउट्स एंड हाँ ये आपके पैरों के साथ साथ आपके आउटफिट्स में भी अच्छा लगेगा। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करोगे ना तो आपको दिखेगा कि मैं इसको कहाँ कहाँ पेयर कर सकता हूँ, बट या ओवरऑल अ गुड बाय एंड आई थिंक ये काफी अच्छी एक परचेज हो सकती है आपकी। लास्ट शू दिखाने से पहले भाई उसके बॉक्स से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ ना, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक वे में बनाया है, लेकिन पहले इसका मॉडल देख लेते हैं। कैंपस की तरफ से रेनेगेट करके आ जाता है एंड ये है इसका ओवरऑल लुकिंग बॉक्स, काफी अच्छी क्वालिटी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप अपना बजट बढ़ाते हो ना उस तरीके से आपको ब्रांड भी अच्छा एक शू प्रोवाइड करते हैं, तो ये थोड़ा सा बजट के मतलब यू नो 1000 आई थिंक 2000 के बीच में रेंज में होगा। इसके एमआरपी की अगर बात करें तो वही 2100-2200 रुपए का है, तो या आपको ये 50% तक ऑफ में देखने को आराम से मिल जाएगा। जैसे इसको खोलते हैं भाई आपको अंदर देखने को मिलेगा वो शूज जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आपने पूमा की आरएस सीरीज देखी होगी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके शूज 4-5 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं एंड वहीं आपको देखने को मिलता है हाफ प्राइस में कुछ इस तरीके का शूज जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लुकिंग है। इसमें जो टील, ब्लैक, ग्रे एंड या रेड का यहाँ पे यूज हुआ है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से बनाया गया एंड नीचे यहाँ पर आपको एयर कैप्सूल करके जैसे एयर मैक्स में आती है जो टेक्नोलॉजी उस तरीके की समझ लो यहाँ पर आपको कुछ देने की कोशिश करिए। सोल की अगर बात करें तो प्रॉपर आपको रबर सोल देखने मिलती है विद हिंट्स ऑफ ईवीए, ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हो ये ईवीए है, लेकिन आपको ग्रिप अच्छी प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल गुड लुकिंग शू है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको अगर यू नो ऐसी नॉर्मली भी पहन रहे हो तो ये खराब कहीं से भी लगने वाला है, क्योंकि यूजुअली ना एक स्पोर्ट्स शू की कैटेगरी होती है कि भाई हमें इस तरीके से इसको पहनना है, आप उसमें अगर इसको डालते हो तो ये काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भाई यहां से देखो, आपको मैंने जितने भी अच्छे प्रीमियम शूज देखे ना उनमें इस तरीके का डिजाइन होता है एंड इस तरीके की फिनिश होती है एंड फिनिश पे सब कुछ डिपेंड करता है जूते का, तो आई थिंक दिस इज रियली नाइस एंड यू कैन गो विद दिस। अंदर बात करें तो मेमोरी फोम देखने को मिलती है जो कि अगेन एक अच्छी सॉलिड पॉइंट है एंड भाई मेमोरी फोम इज अ मस्ट अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो। कुशनिंग भी काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड आई थिंक यू कैन गो विद दिस, रॉक दिस विदाउट एनी डाउट्स। सो या लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस एज वेल। थोड़ा सा कंपैरेटिवली हैवी शू है बट हाँ इसकी लुक भी भाई हैवी ड्राइवर है। अबे बेटा मौज कर दे। सो ये थी आज की वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। भाई बहुत मेहनत चल रही है यहाँ पे, मतलब महीने की मैं इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इतना सा कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो क्योंकि इतने परसेंट लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, इज रियली बैड यार। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।